पता है हमने संगीत की हमारी बात तय हुई थी प्रभु जी हम तुम दोनों जने बैठ के जलेबी लेके तुलसी दल देके ग्राही भोग लगे यही बैठ के पाएंगे और जो एक तो संग होगा तो वो भी पालेगा कहाँ पर आलू की जलेबी आलू की जलेबी हाँ वही मिलता है तो दही और आलू की बनती है और विशेष करके हम फलहार में भी उसको ले सकते हैं क्योंकि वो व्रत में भी चलती है दही और आलू की जय हो इसलिए संगीत प्रभु जी मुझे धोखा दे दिया अच्छा ये कह करके और मैं ढूंढता ही रहा चार बरस मुझे मिला नहीं कहीं जय हो जय हो फिर मैंने कहा भैया तू अकेला ही पाल तेरी जतिपुरा में
दीनन तो भरण दे क्लासिकल पद है। श्यामू बड़ा माइक होगा उसमें श्यामू महाराजी श्यामू का बोलेंगे मयूर वाला जो है मयूर वाला सावन के पास चल जाएंगे सावन का गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा। चार पांच दिन है अभी तो जय जय श्री राधे राधे राधे। मैं अपनी इच्छा से बोल दूं महाराज जी की कृपा से जय जय राधे। मैं बोलूंगा राधे बरसाने वाली है, आप कहेंगे भूरी है मतवारी, भूरी है मतवारी है। नमो नमो Yeah.
यही शिक्षा देने के लिए आते हैं। सुंदर और मिले सभी सुख संत समागम बेरहु भाई। समय अधिक नहीं लेते हुए महाराज जी ने मुझे आदेश किया था कि एक होली हो जाए, इसके बाद में एक होली बोलूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो दो मिनट आनंद लेंगे जी का। राधा 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 Yeah।
गोपाल बोल रहे हैं, गोपाल जी बस लाल की आज के आनंद की। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल हरे कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल आज के आनंद की। प्रोग्राम तो और नहीं है लेकिन यहाँ प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम नहीं समझ रहे ना, लेकिन पूरा आनंद इन्होंने ले लिया। क्या होने का है वहाँ? मैं तो ये कह रहा था ये घड़ी जाने क्यों इतनी जल्दी जल्दी भरती जा रही है। एक और जगह रूम पाँच बजे शाम को पाँच से छः सात बजे हाँ वहाँ पर हम जाना है और जितना सारे वही निकालता होली भी वही पर जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर आ जाओ ए बच्चा, अरे आज तो बैठ खा जाए, अभी बात मत करते, जो बात करेगा उसको खड़ी कर देते। क्या काम घूम रहे हो, तू चुप बैठ जा सब। बोलो ओ मैं ज्ञान विराम दस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षु उन्मीलितम मुझे ना तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। भाई जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। आज हम लोगों का बहुत पानी पानी अभी मत दिया करो, चुप रहो ले आओ बैठ जाओ, तो चुपचाप बैठ जाओ अंदर कहाँ जा रहे, इधर बैठ जाओ। हरे कृष्ण कब इधर उधर भटकना है, पांच मिनट लिया हरे कृष्ण। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे जीवों को स्वर्ग भी मिल सकता है, जीवों को मोक्ष भी मिल सकती है, जीव को वैकुंठ तक भी मिल सकती है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई कहता है, लेकिन संतों का संग सहज में नहीं मिलता, सत्संग का बड़ा महत्व है। इसलिए ये बात को कौन कह रहे हैं, ये बात को कह रहे हैं श्री शंकर जी, ये पार्वती को कह रहे हैं। बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज की बड़ी दुर्लभ है। तो माता पार्वती कहती है प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है, देखो ये शंकर जी स्वयं कह रहे हैं। अगर जैसे तैसे व्यक्ति बोले ना भला इस बात का क्या महत्व है, लेकिन अगर मोदी कोई बात बोलता है ना भैया बुझता है मोदी बोलता है, तो जगत का मोदी का कथा कितना महत्व है। अगर भोले बाबा अगर कोई बात कहते हैं जो सत्यम शिवा सुंदरम है, तब उनका बात की कितने महत्व नहीं होगा। जो बात वो शंकर कह रहे हैं किसको, अरे गरे व्यक्ति को नहीं कह रहे, वो मां देवी को कह रहे, माता पार्वती को ये बात कह रहे। बोले क्या कह रहे हैं, पार्वती संत संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक बार कहते। अगर पार्वती जो सत संग है ये जगत में बड़ा दुर्लभ है, अगर एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पूरी आध तुलसी सत संगत में नासे कोटि अपराध, इतने थोड़ी समय अगर सत्संग हो जाए तो जन्म जन्मांतर का जितने पाप हमारी खत्म हो जाती है। अभी प्रश्न है ये सत्संग की इतने दुर्लभता क्यों है, ये सत्संग का इतने दुर्लभ। एक छोटी सी कहानी सुन लो, आप सब याद भी करना, देखो आप लोग बहुत दिन से ये कथा सुन रहे हैं लेकिन इसका कुछ फल नहीं दिख रहा है। इसका फल ये होनी चाहिए, महाप्रभु का आदेश था चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारे अज्ञाय गुरु हया तारक देश, भगवान का निर्देश है जिसको देखो उसको प्रभु की बात बोलो, दुनियादारी की बात मत कहा करो, तुमने क्या खाया घर में क्या बना हुआ था बेटा बेटी में क्या हो रहा है तो सास में क्या चल रही है, ये सब बात नहीं हो करके, ये सब बात नहीं हो करके प्रभु की चर्चा होनी चाहिए। दूसरों को भी भगवान के बारे में सुनाओ, दूसरों को भी भक्ति भक्ति में लगाओ है,
भगवान की इच्छा है एक दिन ऐसे हो सारा दुनिया भक्तिमय हो जाए, घर घर में कीर्तन, घर घर में हरी चर्चा, घर घर ही भगवान की धाम बन जाए। जिस घर में सबके सब प्रभु की भक्ति करते हैं वो घर घर नहीं है, वही घर ही वृंदावन, वृंदावन और कहीं नहीं है। जिस घर में सबके सब हरिनाम करे, प्रभु की भक्ति करे, कीर्तन करे, ठाकुर की सेवा पूजा चर्चा, वही घर ही वृंदावन है। लेकिन जिस घर हम शराब पिए, जिसको ध्यान से चले, डीजी चले, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी बात चर्चा, वो वही नरक है, नरक और कहीं नहीं है। नरक वही घर ही नरक है, और वही घर ही वैकुंठ है जिस घर में भगवान की कथा हो। भगवान खुद ये बात को कहते हैं। नारद जी पूछे, प्रभु कहाँ रहते हो? भगवान खुद कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद कहते, नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, बोले योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले एक जगह में मेरे को पाओगे जहाँ मेरी कथा, मेरी चर्चा, मेरी नाम, मेरी कीर्तन, मैं वहीं पर रहता हूँ। अगर हमारे घर में सबके बच्चे हरि नाम करें, सवेरे उठ करके हैं ऐसे टीवी खोल कर बैठ जाए और दिन भर स्मार्टफोन में लगे हुए हो हैं, और उल्टा पुल्टा यार दोस्त आकर के घर में आटा खाना बना दे। इसलिए अभी हमारे घर में संत नहीं आते, जुआरी आते हैं। हमारे घर में शराबी आते हैं। अभी संतों का स्थान लोग घर में नहीं देते हैं। घर में कौन आते हैं? जुआरी हैं और शराबी हमारे घर में, यही हमारी कौन है? यही हमारी यार दोस्त है। संत हमारी अभी यार दोस्त नहीं रह गए, ये कलयुग आ गया ना। इसलिए घर में हरि कथा, हरि भजन, भगवान का कीर्तन हो। शंकर जी स्वयं ये बात को कहते, बोले पार्वती संत संगति दुर्लभ संसारा। संसार में जो संतों का संग बड़ा दुर्लभ है पार्वती, क्योंकि बिनु संत संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में ये सत्संग नहीं मिलती है, और जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए सत्संग की बड़ी दुर्लभ है, ठीक है ना। इसलिए सारी कथा को याद करो। मैं जब दूसरा बार आऊंगा इसका कुछ फल देखूंगा। फल क्या देखूंगा? कम से कम एक एक व्यक्ति, एक एक दो दो व्यक्ति को हरी कथा सुनाकर भक्त बनाए बनाए हुए। जैसे देखो तुम्हारी अड़ोसी पड़ोस में जो है, तुम्हारी अड़ोसी पड़ोस में जो है, कब से उनको कथा सुना, उनको भी भक्ति के बारे में बताओ। जब आप इसको भक्ति के बारे में बताओगे ना, पहले लाभ तो तुम्हारी होगा, पहले उसको लाभ नहीं, किसका लाभ होगा? पहले तुम्हारी लाभ होगा, क्योंकि हरी की चर्चा सुनाकर तुम्हारी मन पवित्र होगा। जब दूसरे व्यक्ति जब परिवर्तन हो जाएंगे उसका भी कल्याण, तुम्हारी कल्याण भी, उसका भी कल्याण है। अगर हरी चर्चा नहीं करोगे, प्रभु की चर्चा नहीं करोगे, फिर क्या करोगे? दुनिया की चर्चा करोगे, यार दोस्त में बैठ करके अगर तुम प्रभु की कथा बोलोगे तो कल्याण तो दोनों का ही है। अगर बैठ करके इधर उधर की बात करोगे फिर दोनों ही सर्वनाश, दोनों ही गड्ढे में जाएगा। लेकिन अगर हरी चर्चा किया तो नहीं बैठ पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना? जब अगली बार आऊंगा मैं देखूंगा कम से कम तुम लोग अड़ोसी पड़ोसियों को हरी चर्चा सुना करके जैसे उनका कल्याण किए होंगे, मेरे को देखनी चाहिए, तभी देखूंगा हम लोगों का यहाँ आना सार्थकता है। हमारे पूरी में अभी हमारे जो बंसी वदन बोधय महाराज, उन्होंने जूम में क्लास देते हैं, हम तो उड़ीसा में देते हैं, सबको उन्होंने कुछ कुछ कथा सुना रहे, ट्रेंड कर रहे हैं। कथा क्या सुनाओगे दूसरों को? कथा क्या सुनाओगे? कथा इसको ऊपर में वो, लेकिन उड़िया भाषा में कर रहे हैं अभी, हम उसको कोशिश करेंगे अभी हिंदी में करने के लिए। हमारे जितने लिखे बड़े सब लड़का लड़कियाँ जिसको घर की बहू ये सब के सब, लेकिन कोई एमए पीएचडी, कोई डॉक्टर करके रोटी से ये रोटी दाल बनाने में जीवन बिता रहे हैं। इतने पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं घर में? क्या कर रहे हैं? रोटी दाल चाल में इसी में ही जीवन में बिता रहे हो, लिख पढ़ के, जो साधारण व्यक्ति जो काम कर रहे हैं। इसलिए अभी पढ़ाई का कुछ तो मूल्य होनी चाहिए ना, है? इसको किस चीज में लगाओ? प्रभु की भक्ति में, प्रचार में लगाओ, दूसरों को प्रचार में लगाओ भक्ति को, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? सब चुपचाप बैठो, ठीक है ना? हाँ, इसलिए अभी उसको भगवान की भक्ति के प्रचार में लगाओ। देखो जब इसको भक्ति की प्रचार में लगाओगे ना, जगत में हमारे जो गुरु जी की, जो गुरु जी थे जिसने संपूर्ण पृथ्वी में हरि भक्ति को जिन्होंने प्रचार किया है, वो कहते हैं कितने बड़ी बात कहते हैं,
भले एक व्यक्ति को अगर प्रभु की बार में समझा करके केवल एक व्यक्ति का दिल अगर प्रभु की भक्ति में लगा दिया तो कहते उसमें कितना पुण्य है। कहते कोई व्यक्ति अगर करोड़ों करोड़ों अस्पताल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, करोड़ों करोड़ों अर्ण नक्षत्र कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दिया तो उससे अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगी, अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को प्रभु के भजन में लगा दिया। जैसे किसको खाना खिला दिया, आप देखना दो तीन घंटा बाद फिर भूख लगी, किसको कपड़े दे दिया दो दिन बाद फट जाएगी, किसके बीमारी दवा दे दिया फिर बीमारी। ये जन्म मृत्यु का दुख कष्ट से निकल नहीं सकते हो, निकल नहीं सकती, संसार चक्र में ही भटकते रहोगे, संसार में उधार नहीं होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लगा दिया तो, एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भक्ति में लगा दिया, कृष्ण खुद कहते हैं हे अर्जुन आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन, अगर तुम पुण्य करके अगर स्वर्ग लोक में चला गया, अगर ब्रह्म लोक में भी चला गए हो, पुण्य खत्म होते फिर यही पर आओगे, यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट वो करोगे, फिर ये जन्म मृत्यु से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन अगर पाप प्रत्युत कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते, कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर तुम मेरी भक्ति करके मेरे पास में आ गए ना, तुम्हारी जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि चिरकाल के लिए खत्म, फिर ये संसार में नहीं आओगे, हैं नहीं आओगे, ठीक है ना। देखो जैसे एक छोटी सी कथा सुनने से विषय आपको प्रचार करने के लिए उत्साह दे रहा हूँ, अच्छे से सुनो, मैं बाद में पूछूंगा मैंने क्या कहानी सुनाया। बोले एक समय कोई एक बेटा को लेकर के पिताजी मेला देखने के लिए गए, मेला में बड़ा टहल चल बता हुआ था, हैं कोई सर्कस चल रहा था, कोई जो चक्का में घूमते हैं ना उसको क्या बोलते, दोला में भी घूम रहे थे, कोई थिएटर, अलग अलग सब चीज हो रहा था। अभी उसका छोटा बच्चा था, छोटा पिताजी का हाथ को पकड़ करके पिताजी सब दिखा रहे थे, बच्चा बड़े खुश होकर देख रहा था। लेकिन देखते देखते अचानक क्या हुआ, भाव में आ करके बच्चे को हाथ से पिताजी का हाथ अलग हो गया, थोड़ी देरी बाद में देखे पिता अलग और बच्चा अलग। अभी वो बच्चा जोर जोर से रो रहा है, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, रो रहा है, और पिताजी ढूंढ रहे मेरे बेटा कहाँ, मेरे बेटा कहाँ। जो बच्चा रो रहा था तो मैं प्रश्न करके प्रश्न का उत्तर भी देना आप लोगों को। अभी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कोई छोटा बच्चा और अच्छा देखा उन्होंने, छोटा बच्चा रो रहा है, हैं छोटा बच्चा रो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के उसको कोई मिठाई दे रहा है। जब मिठाई देता है बच्चा का थोड़ी समय के लिए रोना बंद हो गया, बंद हो गया, थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, किसने एक खिलौना दे दिया, अभी खिलौना पाकर थोड़ी समय के लिए तो रोना बंद हो गया, फिर मेरे पिताजी, पिताजी, किसने उसको कोई थोड़ी सी है कोई चॉकलेट दे दिया, थोड़ी समय के लिए रोना बंद, फिर मेरे पिताजी, पिताजी, उसमें कोई हरे कृष्ण, आवाज आ रही है, हरे कृष्ण, सही है। हम लोग एक प्रश्न करेंगे, प्रश्न का उत्तर देना, देखो कौन उत्तर दे पाता। अभी बच्चा का रोना ही बंद नहीं हो, उसमें कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, मतलब जब तक इसके पिताजी को ढूंढ करके उसको नहीं ला दो ना, भले ही उसको मिठाई दे दो, कपड़े दे दो, उसको कोई खिलौना दे दो, उसका रोना बंद नहीं होगा। उसको पिताजी को ढूंढो, उसको पिताजी कहाँ पर है। अभी वो व्यक्ति ने पिताजी को ढूंढा मेला में, उसको पिताजी कहाँ, पिताजी का थोड़ी दूर जाकर देखा एक व्यक्ति पागल होकर के सबसे पूछ रहे, मेरा बेटा कहीं खो गया, छोटा सा था, मेरा बेटा कहाँ गया। बोले हमने देखा वहां पर छोटा बच्चा रो रहा है, पापा पापा बोल कर रो रहा है। बोले कहाँ पर, बोले वहां पर देखा। बोले ले चलो, जब ले आए बोले ये तेरे बच्चा, बोले हाँ ये मेरे बच्चा, बच्चे को बोले ये तेरे पिता, बोले हाँ ये मेरे पिता। बस जब पिताजी का हाथ मिल गया ना, बच्चा और रोएगा, और बच्चा रोएगा, उसका रोना ही बंद हो गया। देखो ये चीज को समझो, ये संसार एक मेला है, क्या है, मेला है। लेकिन हम
तो बच्चा कब तक आनंद ले रहा था? जब तक पिताजी का हाथ को पकड़ कर रखा था। लेकिन जब हाथ से उसका अलग हो गया, वही मेला, सब कुछ वही, लेकिन वो मेला में अभी सुखी नहीं हो, दुखी है। सुखी ना दुखी, वो मेला उसको आनंद दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। वो मेला में भी आनंद दुखी दुखी हो रहा है, लेकिन पहले खुश क्यों हो रहा था? क्यों? पिताजी का हाथ पकड़ कर रखा था। ठीक उसी तरह अब उसको कोई खिलौना दे रहा था, उसको कोई मिठाई दे रहा था, लेकिन ये मिठाई खिलौना उसको आनंद दे रहा था? थोड़ी समय के लिए कोई सुख दिया, मेरे दुखी फिर रोना। कहते उसी तरह ये संसार भी एक मेला है, संसार एक मेला है। लेकिन कब तक हम संसार में सुखी रह सकते? जब तक पिताजी का हाथ को हम पकड़ कर रखें। हमारे असली पिता कौन है? तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्वम। भगवान ही हमारी असली पिता माता वही है। लेकिन कब तक ये संसार में सुखी रहेंगे? जब तक उनका हाथ को पकड़ करके तुम रखोगे। अगर उनका हाथ से अलग हो गया ना, अगर उनका हाथ से अलग हो गया, पर ये मेला तुम्हें आनंद देने वाले नहीं है, ये मेला तुम्हें आनंद देने वाले नहीं है। लेकिन देखो, उसी बच्चे को खुशी करने के लिए कोई उसको टफी दे रहा था, कोई उसको खिलौना दे रहा था, कोई मिठाई दे रहा था, लेकिन थोड़ी समय के लिए तो सुखी फिर दुखी। हम भी संसार में ठीक है, एक दुख आ गया, हम सब कोशिश करते हैं किसी तरह से एक दुख किस तरह से हल हो जाए, हम चैन मिलेगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, वो एक दुख तो तुम्हारी कहीं नहीं, दूसरा दुख सामने खड़ी है। समुद्र देखे हो? कौन कौन समुद्र देखे हो? देखना एक लहरी के ऊपर एक लहरी के बाद एक बाद लहरी खत्म नहीं हो। हम सोचते हैं और एक समस्या किस तरह से हल हो जाए, चैन मिलेगा। देखना वो तो गई नहीं, और एक समस्या। ऐसे करते करते जिंदगी में हम सुख किसको माने गए? सोचते हैं सुख जिंदगी में मिलता नहीं है, केवल सुख दुख का प्रतिकार को सुख मानते हैं। शायद ऐसे होने पर सुख मिलेगी, लेकिन होता ही नहीं। जिंदगी ऐसे हमारी बीत जाती है। देखो एक प्रश्न करता हूँ, ये चीज का उत्तर देना। उसको कोई खिलौना दे रहा था, उसको कहीं टफी दे रहा था, उसको कहीं मिठाई दे रहा था, लेकिन तब भी वो बच्चा थोड़ी समय के लिए खुश, उसके बाद में दुखी। लेकिन अभी ये प्रश्न है, अभी ये प्रश्न यहाँ पर आता है, लेकिन उसको ऊपर में तो कोई टफी मिठाई दे रहा था, लेकिन वो बच्चे को ऊपर में सबसे ज्यादा दया किसने की है? उस व्यक्ति ने जिसने जिसने उसको पिताजी को मिलवा दिया, वो सबसे बड़ा दाता वही, सबसे बड़ा दाता वही है जिसने उसको पिताजी को ढूंढ कर उसको दिला दिया। पर रोना खत्म। उसी तरह हमारे जो परम पिता जो भगवान है, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, बोले हे अर्जुन, जब तक ये जीव मुझे प्राप्त तो नहीं करता है, ये कभी भी ये संसार में कहीं सुखी हो नहीं सकता। क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया वो खुद कहता है ये दुख का घर। वो दरवाजा बंद कर दो, क्या तुम लोग इधर आकर दरवाजा बंद कर दो, बच्चे अंदर खेलते रहे। इसलिए कहते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान खुद कहते हैं जिसने दुनिया बनाया वो खुद कहते हैं ये दुखालय, ये दुख का घर है। अब देखना टीवी होता है ना, जो व्हाइट ब्लैक टीवी होता है, वहां उसको चला हुआ तो व्हाइट ब्लैक ही निकले, कलर निकलेगा नहीं वहां। क्यों? टीवी हो ये संसार दुख का है। ए बच्ची, दरवाजा बंद कर दो। इसलिए कहते ये संसार दुख का घर है, ये संसार दुख का घर है। इसलिए ना कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई देखना इस संसार में तरह तरह से दुखी 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 है। इसलिए सुख कहां पर? बोले ठाकुर जी के चरण में ही, असली सुख ठाकुर के चरण में ही सुखी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जहाँ सुख है ना, जहाँ सुख है उसको तो छोड़ दिए, जहाँ दुख है उसको पीछे लग गए हम। शायद यहाँ पर सुख मिले, जहां पर आनंद है उसका छोड़ दिए, भगवान को तो छोड़ दिए। लेकिन क्या सोच रहे, शायद ये दुनियादारी में सुखी अच्छे खाने पर सुख मिलेगा, अच्छे पहनने पर मिलेगा, बढ़िया घर से मिलेगा, बढ़िया बीवी से मिलेगा, बढ़िया पति से मिलेगा। नहीं भैया,
जिसने बनाया खुद कह रहे दुख है, तो कह रहे दुख है। एक मैया को देखा, बूढ़ी मैया एक घंटा से रास्ता में कोई चीज को ढूंढ रहा था। एक व्यक्ति एक घंटा बाद में देखा वो वही ढूंढ रहा है। फिर बोले माता जी एक घंटे से क्या ढूंढ रहे हो? बोले बेटा मेरा कहीं सुई खो गई है, मेरे कहीं सुई नहीं मिल रही। बोले सुई खोई कहाँ पर? बोले घर में। बोले घर में तो खोई, रोड में भी ढूंढ रहे हो, जहां पर खोई वहीं पर ढूंढ रहा। अरे जहां पर खोई वहीं पर ढूंढो, तो यहाँ खोई तो घर में और ढूंढ रहे तो रास्ता में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुख का जो जड़ है ना, कि दुख का जो जड़ है वहां पर हाथ लगाओ, ऊपर नहीं। ये दुख का कारण क्या है? इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं ये सारे दुख का जड़ है कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मो। केवल दुख का यही कारण है हमारा परम पिता परमात्मा भगवान जो हमारी सही पिता माता है। कहते ना तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सब सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या। क्या भगवान का पिता माता कहते हैं? नहीं, ये दुनियादारी में पिता माता भाई बंधु, ये दुनिया को बना दिया जो दिन मरने वाले। कोरोना में कितना लोग गए है? जो मरने वाले व्यक्ति है ना उनको ही हम बना दिया, जो असली व्यक्ति उसको तो पीछे रख दिया। उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जो झूठे संसार है उसी में ही, और उस संसार में देखना अक्सर करके हम कोशिश करते हैं अपना लिए तो बहुत कम करते हैं। देख लेना सब अपना लिए बहुत कम करते हैं, जो ज्यादा करते हैं ना दूसरों को कैसे सुख दे? अपना भाई को कैसे सुख दे, बंधु को कैसे सुख दे, परिवार को सुख दे, पति को सुख दे, पत्नी को सुख दे, सास ससुर को सुख दे, इसलिए तो ज्यादा करते हैं कि नहीं करते ना? आप संसार में पूछ लो कोई तुम्हारे पर खुश है क्या? आप पूछ लो संसार में जिनकी सुख के लिए हम मर मिटा रहे हैं, संसार में कोई सुख तुम्हारे दिनों तुम्हारे पीछे चुगली करते हो? सास ऐसे कर रहे हैं, बहू ऐसे कर रहे हैं, ससुर ऐसे कर रहा है, और देखना सबके सब खिचु। लेकिन जिससे बदनामी मिलता है ना हम उनके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के लिए करने के लिए कोशिश हम नहीं करते हैं। भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने सुना साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दी, बैंडेज कर दी द्रौपदी ने, भगवान ले जी गए। बोले इसका ऋणी कब चुका, इसकी ऋणी मैं कब चुकाऊ? भगवान सोच रहे बहु का कब मैं इसका ऋणी चुकाए। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, लाज जा रही थी, उसको कितने पति थे द्रौपदी के? पांच पति थे ना। इस जगत में किसी की स्त्री का अगर एक पति धनवान हो, बलवान हो, पैसा वाला हो ना, वो सीना ताना को चलता है, सीना को चौड़ा करके चलते है। अरे हमारे पैसा है, हमारे घर है, मकान है, हैं? लेकिन उसी समय में उसके पांच पांच पति थी। पृथ्वी में इतने बड़वान बलवान अर्जुन जैसे गांधीधारी कभी था कोई? भीमसेन जैसे गदाधारी था कोई? युधिष्ठिर धर्मराज स्वयं, उनको जब भाला युद्ध में बराबर कोई था? तलवार युद्ध में लखन सहदेव थे कोई? नहीं थे। लेकिन जब उसे वस्त्र हरण हो रहे तो कोई काम में आए उसके? आप बताओ उसको काम में कोई आए हैं क्या? कोई आए? आग फाड़ फाड़ कर देखते रह गए, कोई नहीं आए। लेकिन अंतिम समय में काम आए तो कौन आए उसकी? कौन आए बोलो? बस भैया वही काम में आने वाले, और कोई काम में आने वाले? जिसको बोल रहे ना सब काम में आने वाले, लेकिन अंतिम समय में कोई काम में नहीं आएगा। आएगा तो एक मुरली वाले काम में आएगा। इसलिए हमारे भारत में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, इसलिए अंतिम समय में उसको क्या बोलते बोलते ले जाते? बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा ही बोलते है ना। जितने जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी साथ में तेरी नहीं जा रही। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें? किसके लिए करनी चाहिए? ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए? ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए करो। सवेरे उठ करके जिसको हम अपना कर्तव्य मानते हैं, हम जिनको कर्तव्य दुनिया में हम मान रहे हैं, ये हमारी कर्तव्य, ये कर्तव्य, कोई तुम्हारी कर्तव्य नहीं है, कोई भी तुम्हारी कर्तव्य नहीं है। एक कर्तव्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह गुरुगारी भजिए राम सब काज विसारी। गोस्वामी सारे काम को पीछे करो जिसको तुम कर्तव्य मान रहे हो, कोई तुम्हारी काम में आने वाले नहीं। एक कर्तव्य आएगा भजिए राम, भजिए राम सब काज विसारी, छोड़ करके हरि का नाम लो। इसलिए पहले देखना हमारे बड़े बूढ़ी माताएं क्या करती थी,
सवेरे उठकर ठाकुर का आरती करना, स्नान करना, तिलक लगाना, ठाकुर को सेवा पूजा करना, यही करते ना दिन घर में। रामायण तुम्हारा देखो, तुम्हारा मैया मैया मतलब यही घर में करती थी। हर हिंदू घर में सबसे पहले उनको पता था अंतिम समय में संसार हमारे काम में नहीं आएगी, आएगा तो प्रभु की भजन ही काम आएगी, और ये कोई भी हमारे काम में नहीं आएगी। जिसको सात फेरा लगाकर शादी किए, सर्जरी छूटेगा तो दरवाजा तक आएगी, उसको आगे नहीं बढ़ेगी। जिसको परिवार कहते हैं वो शमशान तक जाएगी, उसका आगे कोई भी हमारे साथ में कोई भी जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का भजन किया। इसलिए सवेरे उठ करके सारे काम को पीछे रख लेना, जितने कर्तव्य मान रहे हो। कोई सोचता नहीं मैं नहीं करूंगा तो करूंगा कि कौन करेगा भैया, हम नहीं कर रहे, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, हैं? इसलिए ठाकुर का कृपा से सब हो रहा है, तुम्हारा पर कुछ नहीं होता है। हम सोच रहे हैं ऐसे, अब देखना जो बैलगाड़ी चलती है ना, उसको नीचे की कुत्ता चलती है, वो कुत्ता क्या सोचता है, मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रहा है। वो कुत्ता सोचता है ये जो बैलगाड़ी ना मेरी वजह से चल रही है, लेकिन वो बैल तो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, बैल खींच रहे हैं, लेकिन वो कुत्ता सोचता है मेरी वजह से ये बैलगाड़ी चल रही है। इसलिए कहने वाले तो ठाकुर है, लेकिन आप बीच में झूठा अभिमान करते हैं, भैया हमारी वजह से चल रहे, अगर हम नहीं हुआ तो कौन करेगा, नहीं करने वाले बहुत व्यक्ति है। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करना, ठाकुर को सेवा पूजा करना, हरि नाम करना, माला जप करना, है गीता भागवत थोड़ी सी पढ़ो, फिर उसको बाद में दिन भर अपना घर का काम करो। और तुम लोग तो भक्त लोग हैं, तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे घर तो वृंदावन, घर घर में तुम्हारे ठाकुर है, बच्चे भी भजन करते हैं, पति भी बच्चे सब तुम्हारे घर में सब भक्ति करते हैं। इसलिए सवेरे उठ करके ना क्या करना, हरिनाम करना, क्या करना, हरिनाम करना, ठीक है ना माता जी, जो लोग नहीं करते हो। इसलिए गले में तुलसी घंटी पहनो, ठीक है, गले में घंटी है कि नहीं तुम्हारी, नहीं है, हाँ। इसलिए देखो इधर, ये जब महाराज स्वयं कह रहे मैं नहीं करा, जब दूतों को कह रहे हैं, ये जब दूतों को कह रहे हैं, बोले देखो जो भजन नहीं करते उनको मेरे पास में ले आना। तो उन्होंने पूछे पता कैसे चलेगा कौन भजन करता नहीं करता, कुछ तो लक्षण बता दो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक सधवा स्त्री अपना मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, नाक में बेसर पहनती है, शंखा पहनती है, देखने से पता चलता है कि सधवा है, हैं? कहते उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको शरीर में भी कुछ लक्षण, मैं नहीं ये जब स्वयं कहते हैं, बोले क्या है, बोले ललाटे तिलकम, वो जरूर तिलक लगाएगा, कंठे त्रिकंठी का, गले में तुलसी कंठी पहनेगा, हृदय गोविंदम भगवान की, हम प्रभु के ये नाम जप करेगा। ये तीन लक्षण भगवान के भक्त में दिखेगा। अगर उनको देखना है ना, देख लो तो उनको जबपुरी नहीं लाना, उनको जबपुरी में जब स्वयं के तो उनको नहीं लाना। तो और एक उदाहरण दिए कि दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, एक पालतू है एक फालतू है। देखना जो पालतू कुत्ते हैं उनके गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, उसको देखने से पता चलता है घर की कुत्ते हैं, लेकिन उसको कोई कुछ बोलते नहीं। लेकिन देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, जिनके गले में मतलब पट्टा नहीं, रोड रोड में घूमते फालतू कुत्ते हैं। अगर देखना कभी गली में ज्यादा कुत्ते हो जाते हैं ना, सरकार अलर्ट देता है, गोली मार दो, फिर पकड़े कर ले जाओ, लेकिन कौन सा कुत्ते को ले जाएंगे, जब फालतू कुत्तों को ले जाएंगे। मैं नहीं कर रही, जब स्वयं भागवत में जब स्वयं कह रहे हैं, जिसके गले में तुलसी कट्टी नहीं, डंडे मार मार कर जब ले जाएंगे, लेकिन गले में तुलसी कट्टी होगा तो जब स्वयं कहते हैं ये कभी नरक नहीं जाएगी, ये जब स्वयं कहते हैं। इसलिए गले में तुलसी कट्टी जरूर धारण करो, लेकिन ये सोने चांदी तुम्हारे साथ में कोई साथ में जाने वाले नहीं। गले में भले जो कुछ सोने की गले में लटका दो, कोई भी नाक में बेसर तरी रहेगी ना, देखना अब देखना, देख लेना नाक में तुम्हारी बेसर है, घर में सब रो रहे हैं, हाँ सास चली गई सास, लेकिन अगर बेटे को बोलेगा ए देख ले भैया की नाक में बेसर निकाल कर रख दे, ये सब निकाल कर रख देंगे सोने चांदी, लेकिन गले में कट्टी रहेगा तो कोई नहीं निकलेगा, और कट्टी रहेगा तो भगवान के धाम में जाओगे। देखो हम लोग को हिंदू है, देखना कभी कभी तुम लोग सुने होंगे जब कोई व्यक्ति मरने के बाद घर में गरुड़ पुराण पढ़ाई पढ़ते हैं, सुने गरुड़ पुराण, वहां पर एक एक बात वहां पर बताते हैं, मरने के बाद 13 दिन के बाद में शुद्ध होते हैं, 13 दिन के बाद में ना, क्यों अब पढ़ते देखना, कहते उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो नदी है
कि बोले टाटी पैसा खून पीता और कोड़े मार मार कर उसको पार कराते। इसलिए हम लोग कभी सुने होंगे जो व्यक्ति बहुत दिन तक सड़ सड़ करके मरा, बड़ी कष्ट पा करके, तो भैया इसके नाम पर जब गैया दान दे दो, क्योंकि गैया गणेश उसको पूछ पकड़ करके वो व्यक्ति पार हो जाता है, इसलिए गैया दान दे दो है। लेकिन किसको ये नदी पार करना पड़ता है, टाटी पैसा खून पी बैदर बैदर। अब पढ़ लेना गरुड़ पुराण में, सो पढ़ते हैं, पढ़ाई होता है, एक एक दिन वर्णना करते हैं। बोले किसको ये नदी पार करना, जिसको गले में तुलसी कट्टी नहीं, जिनको गले में तुलसी कट्टी नहीं, तिलक नहीं लगाते, उनकी ही नदी पार करना पड़ेगा। जिसको गले में कट्टी देख लेना, तिलक लगा देगा, अगर कोई कुकर्म किया भी होगा ना, उसको जब महाराज विचार नहीं कर सकते, वो ठाकुर विचार करेंगे, भगवान विचार करेंगे। ये बेहतर नदी तो पार करना पड़ेगा ही, जिनको गले में कट्टी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गरुड़ पुराण को देख कर देख लेना, जो भजन नहीं करते, हरिनाम नहीं करते हैं, गले में कंठी तिलक नहीं, उनको ही ये नदी पार करना पड़ता है, वैष्णव लोगों को नहीं, भक्त लोगों को नहीं है। इसलिए भैया फालतू मत बना करो, क्या बनो, क्या बनो, फालतू बनो मत बनो, फालतू बनो। देखो हम लोग ये जो कंठी पहनते ना, ऐसे नहीं नहीं पहन लिया, ये ऋषि मुनियों ने सब विधान दिया, इसमें बहुत सब साइंस ही है। ये मत समझो गला में एक लकड़ी पहन लिया, वृंदावन गए हो, कौन कौन गए हो, अंग्रेजी मंदिर में जाकर देखना, हमारे मंदिर में जाकर देखना, कहाँ रशिया में, कहाँ अमेरिका, कहाँ लंदन, कहाँ फ्रांस, उनको देखना गले में सब कंठी तिलक लगाए, चोटी लगा कर घूम रहे। और हम लोग अंग्रेजी का खान पान, उनकी रहन सहन को हम अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना धर्म को छोड़कर के हमारे सनातन धर्म कंठी माला तिलक लेकर भजन कर रहे हैं। हम हिंदू है, हम हिंदू है ना, हमारे मूल ग्रंथ गीता है, किसको पूछो गीता का कोई श्लोक नहीं, कौन हीरो का नाम हीरोइन का नाम सारे याद कर बैठे। जितनी गंदी चीज को किसी मुसलमान को पूछ लो, कुरान बोलो बोलेगा, उनका धर्म में कंपल्सरी 2 साल से कुरान पढ़ाई करते, कंपल्सरी उसका धर्म नहीं, हमारे हिंदू धर्म में वही नहीं, उल्टा पुल्टा जितने सारे याद करके बैठे। कोई गीता भागवत से हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने कहा, गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे सारा दुनिया में एक ही बात, बच्चे बात नहीं सुनते। हमारे गुरु जी क्या बोले सुना, बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को कभी रामायण पढ़ने के लिए बताया, बोले नहीं, बोले जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ाएगा नहीं, तो उसको यही दुर्गति है। क्यों रामायण पढ़ते, तो रामायण में तो लिखा हुआ, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिनाथा, भगवान सवेरे उठ कर सबसे पहले पितामाता की चरण छूते थे ठाकुर जी। अब रामायण देखे कि नहीं, जब दशरथ महाराज सैनिक हुए थे, राम स्वयं चरण दबाए, तुम्हारे कोई बेटा चरण दबाता है, रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, स्मार्टफोन दे देते थे 10-20 हजार रुपया, जिसमें बर्बाद हो जाए जीवन, उसको दे देते हैं, लेकिन बच्चे को खुद भी तो पढ़ते नहीं, बच्चों को संस्कार कहाँ से आएगा, पिता माता से संस्कार आएगा कहाँ से आएगा, हम जो करेंगे बच्चे उदयित्र वही सीखेंगे हैं। इसलिए क्या करो, पहले हरिनाम खुद करो, हरिनाम भजन करो, अगर चाहते हो घर तुम्हारी अयोध्या बने, अयोध्या मतलब जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, अयोध्या इसलिए उसका नाम अवध, जहाँ पर कोई मरते नहीं। कब होगा, घर में अगर रामायण पढ़े, बहू जैसे सीता जैसे बहू हो, बेटा जैसे राम हो, और नाती पति लवकुश जैसे हो, लवकुश जैसे हो, वही घर अयोध्या, अयोध्या तो वही घर है। इसलिए क्या करना, सबके सब गले में कट्टी पहनो, ठीक है ना, फालतू पत्र मत कुआ करो, गले में कट्टी पहनो, हरिनाम करो, रामायण करो, गीता पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, इसी में ही जीवन में सुख शांति हमें इसी से ही मिलेगा, और दुनिया में और किसी चीज हमें नहीं मिलेगी है। इसलिए भजन कर, और तो मैं और कुछ बोलना चाह रहा था, मैं दूसरी बात में, इसलिए अब लोग मैं दूसरा बार जब आपका देखूंगा क्या है, कम से कम एक एक व्यक्ति एक एक नहीं, तो मैंने अड़ोसी पड़ोसी को, अड़ोसी पड़ोसी को मैं देखूंगा जरूर भक्त बना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं घर में खुद भजन क्या रह गए, नहीं उसको दान करो। इसलिए जैसे उसने पिताजी को ढूंढ करके ला दिया, पिताजी को ढूंढ करके, असली पिता तो ठाकुर है, अगर आप उसको पिता भगवान कृष्ण है, अगर आप उसको ले करके ले आए, बस भगवान कहते सबसे ज्यादा मैं खुश होता हूँ ये मेरे सब जितने जी मेरे बच्चे हैं, मेरे सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को छोड़ करके दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, पकड़ करके मेरे पास में ले जाते हैं। जैसे आपका कोई बच्चा खो गया है, छोटे छोटे कहानी सुन लो, इन सब कहानी को याद रखना। बोले एक समय कोई एक राजा था, उसका जो बेटा था, बेटा ने कोई गलती की तो पिता माता शासन करते हैं, उसको डांट लगाए, बच्चे को बड़ा हो गया था और बड़ा अभिमान आ गया, पिताजी ने मेरे को डांट लगाई, घर बार को छोड़ चला गया।
घर छोड़कर चला गया। अभी घर पे रहते हुए राज भोग ऐश्वर्य भोग करता था, लेकिन जब घर छोड़कर जाए कहाँ खाएगा पिएगा, अभी दुखी होकर दर दर भटक रहा है। अभी उसने के अपना पेट पालने के लिए चाय की दुकान में काम करना है। कौन चाय की दुकान में काम करना है? राजा का बेटा। एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा हर समय गुमसुम रहता है, इसके मन में कोई आनंद नहीं। तो उन्होंने पूछा राजा को, राजा आप बड़े दुखी रहे, सो क्या राज है? कहते क्या बताओ, मेरा एक ही बेटा था भविष्य में जो राज सिंहासन में बैठने वाले, लेकिन वो कोई गलती काम किया, डांट लगा तो घर छोड़कर चला गया। पिछले मैं तो बड़ा दुखी हूँ कि राज्य को कौन संभालेगा, मेरा बड़े दुखी हूँ। बोले तुम मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला देगा? बोले बोलोगे तो मैं देखूंगा कहाँ पर बच्चा। अभी मंत्री घुमा, घूमते बड़े दूर देश में जाकर देखा उसका बेटा चाय की दुकान में काम कर रहा है। और क्या कर रहा है? चाय की प्लेट साफ कर रहा है, और लोग जहाँ खाना खाते हैं ना टेबल को ही साफ कर रहा है। बोले भगवान, कहा राजा की बेटा क्या काम कर रहा है देखो। अभी उसने किया कि उसी दुकान में मंत्री ने काम करना शुरू कर दिया। उसने बताया नहीं राजा का मैं भिजकवा मंत्री। उसने उसको साथ में काम करते करते उसको एकदम पूरा दोस्त बना दिया, एकदम दोस्त बना दिया। जब दोस्त देखना, एक दोस्त दूसरे दोस्त को दिल खोल कर बोल देता है। एक दिन जब मंत्री ने कहा भैया ये तो बता, लेकिन तू तो देखने में बड़ी सुंदर लग रहे हो, लग रहा है तू कुछ रहीसी घर के बच्चे हो, लेकिन यहाँ ये बर्तन क्यों बन रहे हो, ये बर्तन क्यों बन रहे हो, और ये प्लेट क्यों साफ कर रहे हो? लेकिन तू तो दिखता नहीं तू प्लेट साफ करने वाले, तेरा चेहरा तो बताता है तुझे तुझे रहीसी घर के। एकदम दोस्त बन गया ना, उसका हाथ पकड़ी, जब बोल दिया ना उसको तो इतने रोना लग गया, इतने रोने लग गया, आंखों से आंसू की झड़ी बहने लगी। बोले देख दोस्त, मैं अमुक राजा का मैं बेटा, अमुक राजा का मैं बेटा हूँ। बोले तो बेटे होकर यहाँ बर्तन क्यों मल रहे हो? इतने मेरे पिताजी मेरे को, मेरी गलती हो गई, पिताजी मेरे को डांट लगा दिए, तो मैंने घर बार छोड़ करके चला गया, और यहाँ पेट पालने के लिए चाय की दुकान में काम करता हूँ। बोले अपना घर में जाओगे? बोले मैं तो इसलिए नहीं जा रहा हूँ, एक तो शर्म लग रहा है, और दूसरे सोचता पिता क्या मेरे को घर में रखेंगे क्या फिर दोबारा। तब उन्होंने फिर परिचय दिया, बोले जानते हो उसी राजा का मैं मंत्री हूँ, राजा का मैं मंत्री। जो तो जितने दुखी है ना, तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिता है, तेरे ज्यादा दुखी तेरे पिता ज्यादा दुखी तेरे से। वो सोच रहे राज्य को कौन संभालेगा, कोई है ही नहीं, अरे बेटे का प्रति पिता माता का स्नेह रहता है, प्रीति रहता है। तू जितने दुखी तेरे से ज्यादा पिता तेरे दुखी, इसलिए कहते हम जितने दुखी संसार में ना, हमारे पिता भगवान कृष्ण हमसे ज्यादा दुखी कृष्ण, क्यों? हम उनकी औलाद है, लेकिन उसका औलाद होकर संसार में दर दर भटक रहे हैं और डंडे खा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी है। मंत्री बोला मैं उसका ही मंत्री हूँ, तेरे पिता बड़े दुखी है और तेरे को लेने के लिए मेरे को भेजा। बोले मैं जाऊंगा तो पिताजी मेरे को स्वीकार करेंगे? बोले तेरे राह में देख रहे, तू कब आओगे और तेरे को राजा सिंहासन दे करके वो अपना अंतिम जीवन को भजने में लगाएंगे। बात जो बोले तो उन्होंने उसको लाए और पिताजी को दे दिया। पिताजी इतने खुश हो गए उसको घर में, इतने खुश हो गए मेरे बेटे को, खोया हुआ बेटे को तुमने ला दिया है। कहते उसी तरह हम भी भगवान की संतान, इसलिए शास्त्र कहता है हम अमृतस्य पुत्र, किसके संतान है? अमृत के पुत्र, भगवान के पुत्र, लेकिन संसार में दर दर भटक रहे हैं। ये मंत्री कौन है? ये साधु संत है, ये आकर के हमें समझाते बेटा क्यों यहाँ पर भटक रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, अपना घर में चलो, अपना असली घर में तो चलो, ये तुम्हारी थोड़ी तुम्हारी घर ही तो नकली घर है, थोड़ी घर है तुम्हारी, वो परमात्मा जब चले जाए कई घंटा भी तुमको घर में रुकने नहीं देंगे, घर से निकालेंगे तुमको, 13 दिन तक अशुद्ध रहेंगे हैं। इसलिए क्या करना, अभी जाने के लिए वहां के लिए क्या चाहिए, हम पर उसमें चीज होनी चाहिए, कितना चीज होनी चाहिए? 3 चीज। जैसे अगर आप विदेश जाना चाहते हो, हमारे पास में 3 चीज होनी चाहिए, क्या क्या बोलो, बोलो जोर से, पासपोर्ट वीजा पैसे फॉरेक्स। इसलिए पहला पासपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद में वीजा देगा है, उसके बाद में फिर टिकट चाहिए। कहते उसी तरह अगर प्रभु के पास में जाना चाहे तो हमारे उसमें 3 चीज होनी चाहिए। पहला नंबर पासपोर्ट बनाओ, कहते शास्त्र कहता है तुलसी जो गले में कंडी तुम्हारी पासपोर्ट बन गई, उसके बाद में वीजा बनाओ, वीजा कहते जो तिलक लगा तो वीजा है, और जो टिकट है ये भगवान का नाम, भगवान की नाम। अगर तुम्हारे पास में 3 चीज है ना, तुमको भगवान के पास में जाने में कोई रोक नहीं सकते, सीधा भगवान के पास में जाओ, ठीक है? पासपोर्ट वीजा और टिकट है, 3 चीज।
अच्छे तरह से रखो और भगवान की भजन करो क्या करो बस अपना घर में जाएंगे आनंद ही आनंद है। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। इसलिए हम लोग कल है ना, हम लोग गुरु पूर्णिमा कल मनाएंगे, जो 11 सेक्टर में जहाँ कथा हो रही थी ना, मैंने जहाँ कथा की थी, हम लोग आए थे ना कथा, वो माता जी घर में और हमारे ब्रजवाला दीदी बोले हम कल हम वहाँ पर ये बनाएंगे गुरु पूर्णिमा फरीदाबाद में ही पर मना दो। हम तो वो भी कहीं बंगाल जा रहे थे और हम लोग 23 तारीख को भी कल भी कहा कल परसों और एक तो बुलगाबाद में, और जो गुरु पूर्णिमा का दिन सवेरे घड़ी में मनाएंगे और शाम को हम नवेटा में अपना बैठ में वहाँ पर मनाएंगे। इसलिए जो 3-4 जगह पर हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, अगर आप लोग चाहो तो कल आप उनको घर में आ सकते हैं, ठीक है। गुरु जी की पूजा करेंगे और आरती उतारेंगे और गुरु जी के बारे में, गुरु जी के बारे में हम कुछ कुछ भगवान के बता सकते, ठीक है। टाइम है वो बोल रहे थे 10-11 बजे से कुछ कर देंगे, सब लोग का घर का काम काम खत्म हो जाएगा, खत्म होकर के उनको आ सकते हैं, ठीक है। प्रभु जी होली वही सुनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा, मतलब वहाँ से हाँ शाम को होली और ब्रज की रसिया और क्या सुनाएं, सबसे पहले उसको गा लेंगे, ठीक है। बोले सब मेरे पीछे पीछे बोलो, सब हरि नाम करना, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे मेरे नाम को कौन कर सकता है, कौन कह रहे, बाकी बिहारी कह रहे, अर्जुन को कह रहे, बोले अर्जुन मेरे ये नाम को कौन कर सकता है, भगवान खुद कहते हैं, बोले जनेय पूर्व सत जन्म वासुदेव समर जन्म तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। अर्जुन बोले हे अर्जुन, वही व्यक्ति मेरे नाम को जप कर सकते हैं जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने मेरी अर्चन पूजा की, तभी किसी जीवन में मेरे नाम कोई कर सकता है। लेकिन कुछ जगत में लोग होते हैं बैठ ही जाएंगे तो सारा दुनिया की गप्पे मारने लग जाएंगे, जिसमें प्रभु से कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बोलो हरिनाम तो बड़े समझदार, घंटे घंटे बिना कारण के, कोई कारण नहीं बैठ करके, कारण क्या है, कारण है पूर्व जन्म का कर्म नहीं है। वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं, वो पहले दशरथ नगर था, जब नारद इससे भेंट हुई है बोले बोलो राम, बोलो बोलो राम, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम निकला, जो पापी है ना, वो पाप कर्म क्या है, उसको मुंह से नाम आएगा नहीं, इसलिए पापी बोले तू बोलता था मारो मारो बोल सकता, बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता, मरा मरा तो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं देखो ठाकुर का नाम में कितने शक्ति, दशरथ नगर जैसे व्यक्ति मरा मरा करते करते राम राम हुआ। अब रामायण देखे होंगे, राम आने से पहले वाल्मीकि उन्होंने पूरा रामायण लिख रखी, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम लेते लेते अगर हम सीधा नाम लेते तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता है, इसलिए क्या करनी चाहिए, हरिनाम को सबके सुबह हरिनाम करना, ठीक है ना। और देखा हमारे रूपों को स्वामी कहते हैं, कहते जो भगवान के नाम जप करेगा उसका 3 काम होगा, कितना होगा, क्या क्या होगा, कितना काम होगा, बोले जोर से कितना काम हो जाएगा, उसमें 3 काम होगा। देखो ये कितना बड़ी बात कहते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रभु का नाम जप करता है, कहते नरक में चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त कौन है, हमारे जितना लेखा जोखा जो कर रहे हैं, सारे कर्म का ध्यान लिख रहा है, सारे कर्म का फल देने वाले चित्रगुप्त को जब महाराज बुला तो बोले रजिस्टर लिया, बोले क्यों,
बोले ये व्यक्ति का नाम काट दी यहाँ से, और व्यक्ति का नाम यहाँ से काट दे, बोले किसी लिए, बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है अभी नर्क नहीं आ जाता। दूसरा काम क्या होगा, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर ले ले, बोले क्या इसके नाम को चढ़ा दो, बोले क्यों, बोले वो ठाकुर का नाम ले रहा है ना, अभी वो मेरे धाम में आएगा, ये धाम में आएगा, राधा रानी खुद कहती। और तीसरा काम क्या, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का जो थाला सजाना शुरू कर देते, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति जब भूर भुआ पार करते करते ब्रह्मलोक को पार करेगा रास्ता में उसका आरती उतारूंगा, मैं उसका रास्ता में आरती उतारूंगा, है इसलिए देखो इतने महिमा भगवत नाम लेने का है, इतने महिमा भगवत नाम लेने का, इसलिए क्या करना, भगवान की भजन करो, हरि नाम करो, जिसमें हमारी कल्याण, जिसमें हमारी मंगल है, ठीक है ना। देखो इतने में खोपड़ी मार रहा, हरिनाम, इसलिए हम लोग हरिनाम में रुचि हो, सवेरे सवेरे हरिनाम क्या करो, हाँ जिसमें हमारी कल्याण हो, जिसमें हमारी मंगल है, ठीक है ना, सबके सब हरिनाम करो, सब सवेरे बैठ कर के बात, घर का सारे काम खत्म हो गया, बैठो बिना कारण से बैठ करके बात, समय में इधर उधर मत गवाया करो, बैठ करके हरिनाम नाम जप करो, और यही नाम ही अंतिम समय में तुम्हारी साथ में आएगा, और कोई साथ में नहीं जाएगा है। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कहते ना राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कहते कौन दिल्ली वाला, नहीं दिल वाले, दिल्ली वाला जो नहीं करेगा, कौन करेगा, जिसका दिल चौड़ा है, कमजोरी व्यक्ति नहीं कर सकते, क्यों, बोले ये बाबा जब करेंगे तो बोले क्या तू बाबा जी बने गई क्या, तो साधु बने गए हो, अरे साधु नहीं बन के जब चोर बनोगे, साधु तो है ना, मतलब कुछ शर्म लगता है ना, देखना शराब पीने के लिए शर्म नहीं, सिगरेट फूकने के लिए समय नहीं, जुआ खेलने के लिए शर्म नहीं लगता है, लेकिन प्रभु का नाम लेने के लिए शर्म लगता है। हनुमान जी दिन भर क्या करते बताओ, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, दिन भर हनुमान जी नाम करते, तभी तो घर घर में पूजा हो रही है। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बोले महामंत्र जी जपत महेशा पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमु में प्रभु का नाम जप करते रहते हैं। अब माता देवी को देखना आठ हाथ में था माला, देखो एक हाथ में माला है, इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई, हाँ इसलिए दिल वाले कर सकते हैं, जिसका दिल है, जिसको मजबूत दिल है, इसलिए सबके सब हरि नाम करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल